सभी आशा संगिनी बहनों को नमस्कार। इस सत्र में हम गर्भावस्था में की जाने वाली देखभाल के विषय में चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण सत्र में हम बात करेंगे कि प्रसव पूर्व देखभाल क्या है, प्रसव पूर्व जांच एवं देखभाल क्यों आवश्यक है, प्रसव पूर्व आवश्यक जांचें कौन कौन सी होती हैं और कब कब कराते हैं, गर्भावस्था में क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है और प्रसव पूर्व देखभाल में आशा एवं संगिनी की क्या भूमिका है। प्रसव पूर्व देखभाल, जिसे हम एंटीनेटल केयर यानी कि गर्भावस्था में की जाने वाली देखभाल भी कहते हैं, यह एक चिकित्सकीय देखभाल है जिसमें गर्भवती महिला एवं उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भधारण से प्रसव तक आवश्यक एवं उचित देखभाल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा समय समय पर दी जाती है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जिस तरह से हमने आंकड़ों की बात की, उसी तरह से अगर हम देखें कि प्रसव पूर्व देखभाल क्यों आवश्यक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। प्रसव पूर्व जांचों से उचित देखभाल एवं उपचार किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की जटिलता का समय से पता कर उसका प्रबंधन किया जा सकता है, गर्भावस्था से संबंधित मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है, जन्म की तैयारी पहले से हो पाती है जिससे परिवार द्वारा सही समय पर निर्णय लेने एवं खतरे के लक्षण होने पर तुरंत उनका प्रबंधन किया जा सकता है। इसी प्रकार गर्भावस्था के दौरान जो आवश्यक खान पान है, आराम है, शासकीय योजनाओं की सही जानकारी भी मिल पाती है, इसीलिए प्रसव पूर्व देखभाल आवश्यक है, जिसे हम मातृ एवं शिशु मृत्यु को समय से जटिलताओं का प्रबंधन कर रोक सकें। यदि प्रसव पूर्व देखभाल की बात करें तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है गर्भवती महिला की होने वाली जो आवश्यक जांचें हैं, गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 जांचें अवश्य होनी चाहिए और प्रत्येक जांच में निम्न जांचें होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की एक तो उसकी जांच होनी चाहिए, रक्तचाप की माप होनी चाहिए, वजन होना चाहिए, पेशाब की जाँच होनी चाहिए, पेट की जाँच होनी चाहिए और जेस्टेशनल डायबिटीज़ की जाँच होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यदि हम प्रसव पूर्व आवश्यक देखभाल की बात करें तो उसको TD के टीके लगने चाहिए, आयरन और कैल्शियम की गोलियां मिलनी चाहिए, पौष्टिक आहार और आराम की सलाह आशा द्वारा गृह भेंट के दौरान भी दी जानी चाहिए। समुदाय स्तर पर यदि हम बात करें तो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जाँचें एवं अन्य सेवाएँ निःशुल्क दी जाती हैं, जहाँ पर आशा द्वारा गर्भवती महिला को मोबिलाइज किया जाता है और एनम द्वारा ये सभी सेवाएं उसको दी जाती हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि सभी गर्भवती महिलाओं की 4 प्रसव पूर्व जांचें अवश्य होनी चाहिए, अब हम प्रत्येक जांच के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहली जांच के बारे में जानते हैं। पहली जांच किसी भी गर्भवती महिला की 12 सप्ताह के भीतर होनी चाहिए, यानी कि पहली महावारी ना आने या छूटने के पहले 3 महीनों के भीतर जो जाँच होगी वो पहली ANC जाँच उसकी होनी चाहिए। क्यों कराते हैं ये जांच, क्यों आवश्यक हम बोलते हैं, क्योंकि पहली जांच के साथ गर्भवती महिला का पंजीकरण होकर MCP कार्ड बन पाएगा। पूर्व गर्भावस्था के आधार पर यदि कोई जटिलता है तो उसके अनुसार एनम द्वारा सलाह दी जा सकेगी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए प्रथम तिमाही में फॉलिक एसिड गोलियाँ मिल पाएंगी। प्रसव पूर्व जांचें खून की जांच, BP की माप, पेशाब, पेट की जांच, जेस्टेशनल डायबिटीज़, वजन, TD का टीका उसे मिल पाएगा। जन्म की तैयारी परिवार के साथ मिलकर बन पाएगी एवं उचित सलाह उसे मिल पाएगी। आइए अब दूसरी ANC जांच के बारे में बात करते हैं। दूसरी ANC 14वें से 26वें सप्ताह के बीच, यानी कि गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में हो जानी चाहिए, जिसे हम दूसरी तिमाही भी कहते हैं। यह जांच इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रसव पूर्व जांचें यदि समय समय से होंगी तो जो भी आवश्यक देखभाल है वो उसे समय से मिल पाएगी। आयरन फॉलिक एसिड गोलियां एवं कैल्शियम की गोलियों का सेवन प्रारंभ किया जा सकेगा। द्वितीय तिमाही में एल्बेंडाजोल की एक गोली का सेवन सुनिश्चित करवाया जा सकेगा और खतरे के अगर कोई लक्षण है तो उनकी पहचान कर उचित प्रबंधन हेतु समय से उसका रेफरल एनम द्वारा किया जा सकेगा।
यदि हम तीसरी ANC जांच की बात करें तो किसी भी गर्भवती महिला की तीसरी ANC 28वें से 34वें सप्ताह के बीच में यानी कि गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने के मध्य में की जाती है। क्यों आवश्यक है ये तीसरी जांच? प्रसव पूर्व जांचें जैसे कि खून की जांच, BP की माप, पेशाब, जेस्टेशनल डायबिटीज़, पेट की जांच और वजन हो पाएगी। इन सभी जांचों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि ये जांचें क्यों आवश्यक हैं। जन्म की समीक्षा ANM द्वारा हो पाएगी जिससे प्रसव हेतु संस्था एवं वाहन की पहले से व्यवस्था हो और सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके, जिससे कि हम जो 3 डिलेज की हमने पहले भी बात की है उसे हम कम कर सकें, उससे होने वाली मृत्यु की संभावनाओं को रोक सकें। इसी के साथ साथ खतरे के लक्षणों की पहचान कर उचित प्रबंधन हेतु रेफर किया जा सकेगा। IFA एवं कैल्शियम की गोलियों का वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा और सही समय पर उसे उचित परामर्श दिया जा सकेगा। किसी भी गर्भवती महिला की चौथी ANC जांच गर्भावस्था के 36वें सप्ताह के बाद होती है यानी कि गर्भावस्था के 9वें महीने में। क्यों आवश्यक है ये जांच? जैसा कि पहले भी हमने बात की कि उसे प्रसव पूर्व जांचें मिल पाएंगी, भ्रूण की स्थिति एवं वृद्धि का पता लगाया जा सकेगा और उचित संस्थागत प्रसव हो सकेगा। यदि माँ एवं गर्भस्थ शिशु में किसी भी प्रकार की जटिलता है तो उसका समय से पहचान कर प्रबंधन किया जा सकेगा। तो ये अभी हमने जाना कि 4 प्रसव पूर्व जांचें जो हैं वो क्या हैं और क्यों आवश्यक है। अब इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें जो आवश्यक जांचें होती हैं वो कौन कौन सी हैं और क्यों ज़रूरी हैं। गर्भवती महिला का टीकाकरण प्रसव पूर्व देखभाल का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। पहले टिटनेस टॉक्साइड यानी कि TT का टीका लगाया जाता था, लेकिन डिप्थीरिया के आउटब्रेक को देखते हुए डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभी टीकाकरण सारणी में टिटनेस डिप्थीरिया यानी कि TD का टीका शामिल किया गया है। TD का टीका उसी प्रकार से लगाया जाता है जैसे कि पहले TT का टीका लगाया जाता था। तो जैसे ही महिला पता चले कि गर्भवती है, ANM द्वारा टीका लगाया जाता है। पहला टीका लगने के 4 सप्ताह बाद दूसरा टीका लगाया जाना चाहिए। यदि महिला 3 साल में पुनः गर्भवती हो रही है और पिछली गर्भावस्था में उसे दोनों TT के टीके लगे हुए हैं तो उसे TD बूस्टर लगाया जाना चाहिए। अब हम गर्भावस्था में की जाने वाली आवश्यक जांचों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की जांच के बारे में बात करते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर यानी कि HB लेवल कम होना एनीमिया कहलाता है। रक्त में HB स्तर की जांच करके एनीमिया का पता लगाया जा सकता है और उसका प्रबंधन करके मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है। समुदाय स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर आप जब भी क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर ANM जो गर्भवती महिलाएं आ रही हैं उनकी हीमोग्लोबिन की जांच ट्रू HP मीटर के माध्यम से या टेलीक्विस्ट कलर स्केल के माध्यम से या सहलीस मेथड के द्वारा करती है। यदि गर्भवती महिला के हीमोग्लोबिन स्तर की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि महिला का HB स्तर 11 ग्राम पर DL या उससे अधिक है तो महिला सामान्य है। यदि HB स्तर 11 ग्राम पर DL से कम है तो महिला एनीमिक है। यदि HB स्तर 7 ग्राम पर DL से कम है तो महिला गंभीर एनीमिक है। ऐसी स्थिति में ANM द्वारा उसको चिकित्सकीय उपचार एवं देखभाल के लिए फैसिलिटी पर रेफर किया जाना चाहिए। HP परीक्षण के साथ साथ गर्भवती महिला की BP की माप भी की जानी चाहिए। सामान्य अवस्था में रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यदि रक्तचाप 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या उससे अधिक बढ़ा हुआ है तो यह खतरे का लक्षण हो सकता है। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद यदि उच्च रक्तचाप के साथ यूरिन में प्रोटीन की मात्रा मिलती है और ईडिमा है तो यह प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। यदि प्री एक्लेम्शिया के साथ दौरे पड़ रहे हैं तो एक्लेम्शिया हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत गर्भवती महिला को ANM द्वारा रेफर किया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं वजन की माप किसी भी गर्भवती महिला के लिए क्यों आवश्यक है।
किसी भी गर्भवती महिला का वजन तीसरे माह से बढ़ना प्रारंभ होता है और 9वें माह तक लगभग 9 से 11 किलोग्राम वजन बढ़ना चाहिए। पहली तिमाही में बहुत अधिक वजन नहीं बढ़ता है, प्रति सप्ताह लगभग 100 ग्राम वजन में वृद्धि देखी जा सकती है। दूसरी तिमाही में प्रति सप्ताह लगभग 200 ग्राम से 300 ग्राम का वजन बढ़ना चाहिए, यानी कि कुल 3 किलोग्राम वजन में वृद्धि होनी चाहिए। तीसरी तिमाही में प्रति सप्ताह लगभग 500 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए, पर प्रति सप्ताह 1 किलोग्राम से भी अधिक वजन नहीं बढ़ना चाहिए, यह खतरे के लक्षण हो सकता है। तीसरी तिमाही में कुल वजन में वृद्धि 6 किलोग्राम की होती है, इस प्रकार 9 से 11 किलोग्राम वजन गर्भवती महिला का बढ़ना चाहिए। हर जांच में वजन लेने से पता चलता है कि बच्चे की वृद्धि सही प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है। यदि माँ का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसे तुरंत रेफर करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गर्भावस्था में पेशाब की जांच अति आवश्यक है। इससे गर्भवती में होने वाले खतरे के लक्षणों जैसे शर्करा की मात्रा अधिक होने, झटके आना, उच्च रक्तचाप और इससे होने वाली जटिलताओं की शीघ्र पहचान हो पाती है। यदि पेट की जांच की बात करें तो यह जांच गर्भस्थ शिशु का हार्ट रेट, पोजीशनिंग एवं भ्रूण के विकास एवं वृद्धि का पता करने के लिए आवश्यक होती है, जो एनम द्वारा VHND पर की जाती है। अब तक हमने गर्भावस्था में की जाने वाली आवश्यक जांचें, जिसमें हीमोग्लोबिन की जांच, BP की माप, वजन, पेशाब की जांच और पेट की जांच के बारे में जाना। अब हम VHND पर एनम द्वारा दी जाने वाली अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलिक एसिड गोलियों के सेवन की। फॉलिक एसिड गोलियां न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम के लिए दी जाती हैं। गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में ये गोलियां गर्भवती महिला को खानी चाहिए। एक फॉलिक एसिड की गोली 400 माइक्रोग्राम की होती है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन एक फॉलिक एसिड गोली का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार गर्भवती महिला को एल्बेंडाजोल गोली का भी सेवन करना है। ये गोली गर्भवती महिला को द्वितीय त्रैमास में दी जाती है। एक एल्बेंडाजोल गोली 400 मिलीग्राम की होती है, जो गर्भावस्था के द्वितीय त्रैमास में एनम के समक्ष खिलवाई जाती है। एल्बेंडाजोल गोली कृमि संक्रमण से बचाव के लिए दिया जाता है, जिससे एनीमिया की रोकथाम होती है। समुदाय में प्रायः गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को IFA गोली के नियमित सेवन से रोका जा सकता है। यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मात्र 12.6% गर्भवती महिलाएं ही गर्भावस्था के दौरान IFA की 100 या अधिक गोलियों का सेवन करती हैं। यह आंकड़े बहुत ही कम है। गर्भावस्था के दौरान IFA गोली के नियमित सेवन को बढ़ावा देने में संगिनी और आशा की अहम भूमिका हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इस बात पर बात कर लेते हैं कि IFA गोली का सेवन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के चौथे माह से प्रतिदिन एक IFA लाल गोली का सेवन करना चाहिए, यानी कि प्रसव तक कुल 180 गोली का सेवन किया जाना है। एक लाल IFA गोली में 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड होता है। यदि महिला एनीमिक है, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन स्तर 11 ग्राम पर DL से कम है, तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन 2 गोली, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को सेवन करना है, यानी कि प्रसव होने तक कुल उसे 360 गोलियों का सेवन करना चाहिए। प्रसव के उपरांत भी 6 माह तक IFA लाल गोली का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, यानी कि कुल 180 गोलियों का 6 माह तक सेवन धात्री महिला को भी करना है। यह ध्यान रखना है कि IFA की गोली का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए। जब भी आप गर्भवती महिला या उसके परिवार के सदस्यों से IFA गोली के सेवन के बारे में बात कर रहे हैं तो इन बातों पर भी अवश्य जोर दें, इसको ध्यान में रखें। विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों जैसे नींबू, आंवला, संतरा आदि को भोजन में शामिल करने की सलाह दें। ये आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं। आयरन और कैल्शियम की गोली का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। दोनों गोली के सेवन में लगभग 2 घंटे का अंतर
होना चाहिए। जब भी आप गृह भेंट के लिए जा रहे हैं तो आप गर्भवती महिला या उसके परिवार से पूछ लें कि वो गोली किस प्रकार से खा रही है। भोजन के साथ चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सोडा युक्त पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। आयरन की गोली मुख्यतः भोजन के 2 घंटे पश्चात ही लेनी चाहिए और आयरन की गोली को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन में आयरन युक्त पदार्थों, फलों एवं हरी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। आपको लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों को इसके बारे में परामर्श देना है। आईएफए गोली के सेवन से जुड़ी समुदाय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसे हम दूर कर सकते हैं उनके बारे में सही परामर्श देके। तो आइए उन भ्रांतियों और उसके बारे में दिए जाने वाले सही परामर्श पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि आयरन की गोली खाने से बच्चा काला हो जाता है। समुदाय में आपको ये अधिकतर सुनने को मिलेगा कि आईएफए गोली नहीं खाएंगे क्योंकि मल काला होता है, बच्चा भी काला हो जाएगा। तो यह एक गलत धारणा है। गर्भवती माँ जो भी खाती है वह बच्चे तक रक्त में घुलकर प्लेसेंटा के माध्यम से पहुँचता है, जिससे बच्चे को पोषक तत्व मिलते हैं, पर बच्चा काला नहीं होता है। इससे बच्चा स्वस्थ होगा, माँ में भी खून की कमी नहीं होगी। दूसरी जो गलत धारणा हमें समुदाय में सुनने को मिलती है कि मल काला होने से गर्भवती महिला डर जाती है और आईएफए गोली का सेवन बंद कर देती है। तो हमें गर्भवती महिला को समझाना है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। मल इसलिए काला होता है क्योंकि आयरन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है वह अवशोषित हो जाती है शरीर में, एवं अतिरिक्त मात्रा मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। अधिकतर समुदाय में देखा गया है कि आयरन की गोली खाने से गर्भवती महिला को जी मिचलाता है और चक्कर आता है, जिससे वो गोली खाना बंद कर देती हैं। गर्भवती महिला एवं परिवार के सदस्यों को आपको यह सलाह देनी है कि शरीर में कोई भी बाह्य तत्व जाने से शरीर को उसके हिसाब से ढलने में समय लगता है। कुछ समय बाद ये लक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, अतः गोली खाना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार गर्भावस्था में आईएफए गोली का सेवन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कैल्शियम की गोली का सेवन भी गर्भावस्था में अति आवश्यक है। यह गर्भावस्था में होने वाले हाइपरटेंशन एवं तनाव को नियंत्रित करता है। गर्भावस्था के 14वें सप्ताह से प्रसव होने तक गर्भवती महिला को 2 कैल्शियम की गोली प्रतिदिन खानी है, यानी कि 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को सेवन किया जाना है। प्रसव तक गर्भवती महिला को कुल 360 गोली का सेवन करना चाहिए। 1 गोली में 500 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 250 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। प्रसव के पश्चात भी 6 माह तक धात्री महिला को 2 गोली प्रतिदिन, यानी कि 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को सेवन करना चाहिए। कैल्शियम की गोली के सेवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी आप गर्भवती महिला या उसके परिवार के सदस्यों से कैल्शियम की गोली के सेवन के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें निम्न बातों के बारे में भी अवश्य बताएं। सबसे पहली बात कि आयरन की गोली को कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेना चाहिए। कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि आयरन की गोली कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करती है। कैल्शियम की गोली का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए, इससे कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। कैल्शियम का सेवन विटामिन डी के साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। कैल्शियम की गोली को दूध के साथ ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आशा गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में आराम की भी सलाह देगी। गर्भवती महिला को बताएं कि पर्याप्त आराम से आपका शारीरिक एवं मानसिक तनाव दूर हो जाता है, जो आपके और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए अच्छा होता है। अतः रात में 8 घंटे और दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए। बाएं करवट लेटकर आराम की सलाह दें। बाएं करवट लेटने से गर्भस्थ शिशु को खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान दिन में 1 अतिरिक्त आहार अवश्य लेना चाहिए। जब भी आप गर्भवती महिला या परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं, तो उन्हें आसपास के इलाके में उगाए जाने वाले स्थानीय मौसमी खाद्य पदार्थों, सब्जियों एवं फलों के सेवन के लिए प्रोत्साहित करें और उसकी सलाह दें।
पोषक तत्वों के स्रोत की बात यदि हम करें, दूध और दही, छाछ, पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन होते हैं, तो आप इसकी भी सलाह दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप हरी साग सब्जी जिनमें लौह तत्व और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं उसको खाने की भी सलाह दे सकते हैं। इसके साथ साथ ताज़ा मौसमी फलों की और सब्जियों को खाने की सलाह दे सकते हैं क्योंकि इनमें विटामिन और खनिज मिलते हैं। अनाज, छिलके वाले अनाज और दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होते हैं। और मांसाहारी जो भी लोग समुदाय में हैं उन्हें आप मांस, अंडा, मुर्गी या मछली खाने की भी सलाह दे सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन, विटामिन और आयरन का यह अच्छा स्रोत होता है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में जनवरी 2017 से किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में सही एवं उचित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी भी परिवार में पहली बार हो रही गर्भवती महिलाओं या प्रथम शिशु को जन्म देने वाली धात्री महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ दिया जाना है। इस योजना में लाभार्थी को कुल ₹500 की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत बैंक या डाकघर खाते में जो भी आधार संख्या से लिंक होगा उसमें किश्तों में देय होगा। किश्तों के हस्तांतरण की शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली किश्त गर्भावस्था का पंजीकरण कराने के 150 दिन के भीतर ₹1,000 की धनराशि लाभार्थी को देय होगी। दूसरी किश्त कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच गर्भावस्था के 6 माह के बाद ₹2,000 की धनराशि दी जाएगी। और तीसरी किश्त प्रसव पश्चात नवजात शिशु का पंजीकरण एवं जन्म के पश्चात प्रथम टीका चक्र यानी कि BCG, OPV, पेंटा और हेपेटाइटिस बी लग जाने के बाद ₹2,000 की धनराशि लाभार्थी को दी जाएगी। इस प्रकार कुल ₹5,000 की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किश्तों में देय होगी। इसके साथ साथ ही प्रसव पूर्व देखभाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच फैसिलिटी पर की जाती है, जहां पर चिकित्सक द्वारा गर्भवती की जांच सुनिश्चित की जाती है और यदि कोई भी जटिलता मिलती है तो उसका उसी के अनुसार समय से प्रबंधन किया जाता है। सुनिश्चित करें कि सभी गर्भवती महिलाओं की कम से कम एक जांच फैसिलिटी पर अवश्य हो जाए। आइए अब प्रसव पूर्व देखभाल में आशा की भूमिका क्या है उस पर चर्चा करते हैं। गर्भवती महिलाओं की ANC जांच हेतु ड्यू लिस्ट बनाना एवं VHIR में अपडेट करना। जो महिलाएं जांच के लिए नहीं आ पाती हैं ऐसे छूटे हुए लाभार्थियों के घरों का भ्रमण कर VHND पर उन्हें मोबिलाइज करना। गृह भ्रमण के दौरान प्रतिरोधी परिवारों को प्रसव पूर्व देखभाल के महत्व को बताकर सेवाएं लेने के लिए प्रेरित करना। जन्म योजना तैयार करवाना एवं ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर ANM द्वारा तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाओं की जन्म योजना की समीक्षा में सहयोग करना। इसके साथ साथ VHND के आयोजन में भी ANM को सहयोग करना है। आशा को आशा VHND का आयोजन ऐसी जगह पर सुनिश्चित करवाए जहां पर शौचालय की भी व्यवस्था हो और पेट जांच की भी एकांत स्थान की व्यवस्था हो। परामर्श देते समय लाभार्थी के साथ साथ पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी सम्मिलित करें। प्रसव पूर्व जांच एवं देखभाल के लिए गर्भवती महिला को VHND पर मोबिलाइज करने के साथ साथ गृह भ्रमण के दौरान गर्भवती महिला को परामर्श देने में भी आशा की अहम भूमिका होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है IFA गोली के सेवन को बढ़ावा देना, क्योंकि गर्भवती महिलाएं IFA गोली का सेवन कम करती हैं या गोली खाना बीच में छोड़ देती हैं, इसलिए इसका नियमित फॉलोअप करते रहना आवश्यक है। IFA गोली के सेवन में आशा की क्या भूमिका है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। IFA की अनुपलब्धता होने पर आशा को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं BCPM से मासिक बैठक में साझा कर उपलब्धता सुनिश्चित करवानी है। गृह भ्रमण के दौरान प्रतिरोधी परिवार एवं गर्भवती महिला को आयरन की गोली के सेवन के लिए प्रेरित करना है। परामर्श देते समय लाभार्थी के साथ साथ पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी सम्मिलित करें, उनसे भी बात करें और उन्हें भी परामर्श दें।
यदि IFA सेवन को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। द्वितीय त्रैमास वाली गर्भवती महिलाओं के घर में भ्रमण करना एवं IFA सेवन के सही व्यवहार को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ आयरन की गोली के सेवन के लाभ एवं दुष्प्रभाव को लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों को बताना। आशा संगिनी के पास अपनी सभी आशा क्षेत्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रसव पूर्व देखभाल में आशा संगिनी की भूमिका क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। आशा संगिनी को यह सुनिश्चित करना है कि उसके सभी क्षेत्रों में हर माह एक बार VHND का आयोजन अवश्य हो जाए, जहां पर सभी गर्भवती महिलाओं को मोबिलाइज कर उनकी प्रसव पूर्व जाँच हो जाए। संगिनी को यह भी सुनिश्चित करना है कि आशा क्षेत्रों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी कम से कम एक जांच फैसिलिटी पर हो जाए। जब भी वो गृह भेंट के लिए जा रही है तो अपनी आशा से बात करें और उसका फॉलोअप करें। जिस भी VHND पर लॉजिस्टिक की अनुपलब्धता है, चाहे वो IFA कैल्शियम की गोलियों की अनुपलब्धता हो या किसी भी प्रकार के उपकरण की अनुपलब्धता हो, उसे BMO और BCPM से साझा करें और उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का प्रयास करें। गृह भ्रमण के दौरान आशा के साथ प्रतिरोधी परिवारों को सेवा लेने हेतु प्रेरित करें और साथ ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान VHIR का अवलोकन करें और प्रसव पूर्व जांच के लिए ड्यू लिस्ट अपडेट करवाने में आशा को सहयोग करें। आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लगभग 20 से 25 आशाओं का प्रतिमाह सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाता है। इसलिए IFA सेवन को बढ़ावा देने और लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए आशा के साथ साथ संगिनी का भी उत्तरदायित्व हो जाता है। आइए संगिनी की भूमिका क्या है IFA सेवन को बढ़ावा देने में, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ब्लॉक स्तर पर IFA की अनुपलब्धता की स्थिति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं BCPM को साझा करना है। ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन करना जहां IFA गोलियों की अनुपलब्धता है या वितरण नहीं किया जा पा रहा है। आशा का एनीमिया प्रबंधन एवं IFA के सेवन को लेकर क्षमता वर्धन करना और उनकी मेंटरिंग करना। ऐसे घरों का भ्रमण करना जहां द्वितीय त्रैमास वाली गर्भवती महिलाएं हों एवं उन्हें आयरन की गोली के सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। आशा को ऐसे घरों के निरंतर फॉलो अप के लिए प्रेरित करें। संगिनी बहनों, अभी तक हमने सत्र में प्रसव पूर्व देखभाल एवं जांच के बारे में जो कुछ भी सीखा है, आइए क्विज के माध्यम से उसे दोहरा लेते हैं। आप सभी संगिनी बहनों को आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक सही विकल्प होगा तो आपको सही उत्तर बताना है। आइए शुरू करते हैं। क्विज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एनीमिक गर्भवती महिला को पूरे गर्भकाल में कितनी IFA की गोली दी जाती है? विकल्प इस प्रकार से हैं, 100 गोली, 200 गोली, 180 गोली या 360 गोली। इसका सही उत्तर है, एनीमिक गर्भवती महिला को पूरे गर्भकाल में 360 IFA की गोली सेवन के लिए दी जाती है। दूसरा प्रश्न है, VHND पर गर्भावस्था में कौन सी जांच नहीं होती है? विकल्प इस प्रकार से हैं, मूत्र परीक्षण, BP की माप, ग्लूकोज स्तर की जांच या थायराइड परीक्षण। इसका सही उत्तर है, VHND पर गर्भावस्था में थायराइड की जांच नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, फॉलिक एसिड गर्भवती महिला को कौन सी तिमाही में देते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही या पूरे गर्भावस्था में कभी भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है, फॉलिक एसिड गर्भवती महिला को प्रथम तिमाही में ही दी जाती है। आइए अब प्रश्न 4 हल करते हैं। प्रश्न 4 है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रथम किश्त कब देय होती है? आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद यानी कि 150 दिन में, पहली प्रसव पूर्व जांच के बाद यानी कि 60 दिन में, जब महिला में कोई जटिलता हो तब करते हैं या फिर प्रसव के तुरंत बाद करते हैं। इसका सही उत्तर है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रथम किश्त गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद देय होती है।
प्रश्न 5 है, गर्भावस्था में कम से कम कितने घंटे आराम की सलाह दी जाती है? आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, 6 से 8 घंटे, 2 से 4 घंटे, 3 घंटे या फिर 5 घंटे। इसका सही उत्तर है गर्भावस्था में कम से कम 6 से 8 घंटे रात में आराम करने की सलाह दी जाती है, साथ में 2 घंटे दिन में भी आराम करने को कहा जाता है। गर्भवती महिला को यह भी बताया जाता है कि वह बाई करवट लेटे, जिससे कि रक्त का प्रवाह सही तरीके से हो पाएगा। 6ठा प्रश्न इस प्रकार से है, गर्भावस्था में कैल्शियम की गोली खाने के क्या फ़ायदे हैं? पहला विकल्प है आपका खून की कमी की रोकथाम करता है, दूसरा विकल्प है हाइपरटेंशन एवं तनाव को नियंत्रित करता है, तीसरा विकल्प है डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से रोकता है। इसका सही उत्तर है गर्भावस्था में कैल्शियम की गोली खाने से हाइपरटेंशन एवं तनाव जो है नियंत्रित रहता है।